माझी लड़की बहन योजना 2024 घर बैठे नारी शक्ति दूत ऐप से ऐसे आवेदन करें। माझी लड़की बहन योजना 2024 वैसे आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना 2024 के नाम से ही योजना शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को खास करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षा देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि देश में वह अपना ऑनलाइन योगदान दे सके। माझी लड़की बहना योजना ऑनलाइन अप्लाई को लेकर इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। माझी लड़की बहना योजना को लेकर महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा बजट पेश में इसको अनाउंस किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा 1500 दिया जाता है। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा इस योजना को खास करके महिलाओं के हित के लिए शुरू किया गया है। जो महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है, उनको इस योजना के तहत हर महीने 1500 दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य के बजट पेश में माझी लड़की बहना योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तर्क पर लाया गया है, ताकि महाराष्ट्र के महिलाओं को इस योजना के तहत उन्हें लाभ और आर्थिक सहायता दिया जा सके। इस योजना को बजट बटर बनाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा नारी शक्ति दूत ऐप की शुरुआत कर दी गई है, जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता किया जाएगा। दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से माझी लड़की बहन योजना ऑनलाइन अप्लाई 2024 के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, खास करके ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आप कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में डिटेल की जानकारी देंगे। माझी लड़की बहना योजना 2024 क्या है? महाराष्ट्र का वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा बजट पेश करने के दौरान माझी लड़की बहन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सकेगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष तक की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि महिलाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का उपयोग कर उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर आत्मनिर्भर हो सके। आपको बता दें कि यह योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर शुरू की गई है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण महिलाएं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को आसानी से पूरा नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से हर महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा, जिससे वह अपने और अपने परिवार के आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे। माझी लड़की बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि। माझी लड़की बहना योजना आर्थिक सहयोग। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर साल 46,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिससे राज्य की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
लड़की बहना योजना एलिजिबिलिटी, माझी लड़की बहना योजना ऑनलाइन अप्लाई 2024 के लिए क्या क्या पात्रता निर्धारित की गई है, जिसकी इसकी जानकारी नीचे दी गई है, जिसे पूरा कर आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना के लिए केवल महाराष्ट्र राज्य की मूल निवासी महिलाएं आवेदन के लिए पात्र होंगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य की 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की गरीब महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वह अब सभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। माझी लड़की लाडली माझी लड़की बहना योजना में प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। महाराष्ट्र सरकार ने खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए माझी लड़की बहना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर महीने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वार्षिक 46 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह योजना सभी पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए अनुमोदित की गई है। लाडली बहना योजना डॉक्यूमेंट्स। इस योजना में आवेदन करने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवश्यक होंगे। आवेदन महिला का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खाता, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इन दस्तावेजों के साथ साथ आप योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक कर सकेंगे। लाडली बहन योजना ऑनलाइन अप्लाई। अगर आप महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी महिला हैं और माझी लाडली बहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सरल प्रक्रियाओं का पालन करें। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर अपना मोबाइल नंबर और दिया गया कैचअप कोड दर्ज करें। इसके बाद प्रोसेस्ड के विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने माझी लड़की बहन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में माझी मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेजों को स्केल पर अपलोड करें। अंत में सबमिट पर क्लिक करें। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि जमा की जाएगी। इस प्रकार महिलाओं को घर बैठे ही योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। मुख्यमंत्री माझी लड़की महिला योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित चरणों हैं पालन करें। लाडली बहना योजना महाराष्ट्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे अपने एरिया के संबंध महिला विभाग में जाना होगा। वहां से आपको संबंधित अधिकारी से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आप यह आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट के माध्यम से ही अपलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि बगैर दर्ज करना है। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ संबंधित जरूरी दस्तावेज संलग्न करना है। इसके प्राप्त प्रदान आपको प्राप्त की गई सभी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अब आपके यह आवेदन फॉर्म इन सभी जानकारी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करें। इस प्रकार मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। योजना से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी या संबंध सहायता के लिए आप अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।